विशेषकर ध्यान दें और हमें सरकारी कर्मचारी का दर्जा जल्दी दे। क्या क्या मांगे हैं आपकी? हमारी मांग है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता साहिबाओं को सरकारी कर्मचारी बनाया जाए, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को मेन आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बनाया जाए, सभी राज्यों में समान वेतन समान कार्य किया जाए, ऐसी हमारी पाँच मांग है। अभी कितनी सैलरी मिलती है आपको? हमको अभी केंद्र सरकार से 3,000 रुपये। टोटल कितना मिलता है आपको? अभी हर राज्यों में अलग अलग है। एमपी में केंद्र सरकार की तरफ से 3,000 और राज्य सरकार की तरफ से 7,000, ऐसे मिला के 10,000 है। बाकी अन्य राज्यों में बिल्कुल भी कम है, जो 3,000-4,000। आपका धरना प्रदर्शन काफ़ी सालों से चल रहा है, मांगे आपके भी पूरी हुई नहीं। अगर अब मांगे पूरी नहीं होती तो आप आगे क्या करेंगे? अगर हमारी अब मांगे पूरी नहीं होगी तो हम सीधे चुनाव का बहिष्कार। चुनाव का कैसा भविष्य का बहिष्कार? हम नोटा में बटर मंच के माध्यम से चेताना चाहती हूँ, चेतावनी देना चाहती हूँ कि सरकार हमारी सुन ले और हमारी जो मांगे हैं, ऐसी कोई खास मांगे नहीं है, समान वेतन और समान काम की मांग है, उसे सरकार पूरी करे। आप इन मांगों को लेकर काफ़ी सालों से काफ़ी महीनों से धरना प्रदर्शन कर रही हैं, अभी तक मांगे सरकार ने पूरी नहीं की हैं, अब नहीं करेगी तो अब आप क्या करेंगे? वही रवैया है, वो हमें तो 32 साल हो गए हैं नौकरी करते करते, बहुत चंद मानदेय से लगे थे और उसी दिन से हम तो लग रहे हैं सरकार से कहने, अभी वही करेंगे। अगर सरकार हमारी नहीं सुनेगी, हमें बहुत उम्मीद थी मोदी जी से, अगर सरकार हमारी नहीं सुनेगी तो हम फिर बहिष्कार करेंगे और जो हमारा समर्थन करेगा हम उसको हमारे गमन की बात है। केंद्र सरकार ने 1500 रुपए की घोषणा की और आंगनबाड़ी वो कहीं मारा जा रहा है, तो आज लेकिन वो हमारी घोषणा दादू में लुप्त कर दी गई है। बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं नेताओं लोगों के और लोगों के सामने सिर्फ आंगनबाड़ी वर्करों की घोषणा करते हैं और लेकिन लागू नहीं करते। या तो हमारी मांगे लागू कर दे, नहीं तो आने वाले टाइम में हम सरकार का बहिष्कार करेंगे और हम किसी भी राजनीतिक पार्टी में नहीं जाएंगे और हम नोटा का बटन दबाएंगे। एक हो